सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट सेल सरफेस मेम्ब्रेन, सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन? सेल सरफेस मेम्ब्रेन का डायमीटर कितना होता है? यू शुड नो इट दैट द थिकनेस और डायमीटर ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन, इट्स बेटर टू से, इट्स एक्चुअली बेटर टू से द थिकनेस नॉट डायमीटर। ठीक है, थिकनेस ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन कितनी है? इट्स 7.0 नैनोमीटर। ओके गाइस, ठीक है, तो थिकनेस कितनी है सेल मेम्ब्रेन की? 7 नैनोमीटर। फिर स्ट्रक्चर कैसा है सेल सरफेस मेम्ब्रेन का? सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। व्हाट डू वी कॉल इट? इसका जो स्ट्रक्चर है सेल सरफेस मेम्ब्रेन का वो क्या है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्या मतलब है इसका, मैं समझा रहा हूं। ओके, सो गाइस देयर इज अ मॉलिक्यूल नोन एज फॉस्फोलिपिड, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है करता क्या है? इट मेक्स अप द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, मैंने पढ़ाया था आपको कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल करता क्या है गाइस? इट मेक्स अप द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता कैसा है? It's somewhat like this, ठीक है? This is the phospholipid molecule. Phospholipid molecules के दो regions हैं, यानी phospholipid molecule जो होता है उसका एक head होता है और उसकी दो tails होती हैं, ठीक है guys? So phospholipid molecule has a head and two tails. Guys ये जो head है फॉस्फोलिपिड का, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोफिलिक? वाटर लविंग, ठीक है? ओके गाइस, सो ये जो फॉस्फोलिपिड है इसका जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग क्या है? ये जो हेड है दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। सही है, बात समझ में आई? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? यस गाइस, तुम सबको पता है हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। एंड व्हाट इज मीन बाय फिलिक? फिल का मतलब होता है लव, ठीक है? सो इट्स वाटर लविंग। सो टेल मी, यू गाइस आर फिलिक और सिंगल? यस गाइस, आर यू फिलिक और सिंगल? ओके, जो टेल्स हैं वो क्या हैं? सिंगल फॉर श्योर। ओके, तो याद रहे कि ये जो टेल्स हैं ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल्स। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोफोबिक? वाटर फेयरिंग या वाटर हीटिंग। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है?
ये जो टेल्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, दीज टेल्स रिपेल वाटर, यानी वाटर से अट्रैक्ट नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग हेड है, तो वो वाटर से अट्रैक्ट होता है। और फॉस्फोलिपिड की जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर फेयरिंग है, वाटर से रिपेल होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, हाउ डू दे मेक द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, लेट्स सी। तो गाइस समझो, ये सेल है। व्हाट्स इनसाइड द सेल? व्हाट्स इनसाइड द सेल? सेल के अंदर क्या होता है? साइटो, प्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है गाइस? साइटोप्लाज्म वाटरी होता है या नहीं होता? साइटोप्लाज्म एक्वस है, यानी वाटरी है। गाइस सेल के बाहर क्या होता है? व्हाट इज आउटसाइड द सेल? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है, वाटरी है या नहीं है? टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो वाटरी। ओके गाइस, सो अगर सेल सरफेस मेम्ब्रेन को बाउंड्री बनानी है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या गाइस? बाउंड्री है ना, साइटोप्लाज्म के बीच में और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, ऐसा ही है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन क्या है? इट्स अ बाउंड्री जो साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है टिश्यू फ्लूइड से। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। गाइज एक मिनट रुकना। सही है गाइज, ये बात समझ में आ गई। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। दोनों वाटरी हैं, और सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? दोनों के बीच में बाउंड्री होगी। और बाउंड्री कौन बना रहा है? यस गाइज, फॉस्फो लिपिड। तो तुम लोग सिंपली मुझे एक बात बताओ कि टिश्यू फ्लूइड को कौन फेस करेगा, हाइड्रोफिलिक हेड या हाइड्रोफोबिक टेल्स? टिश्यू फ्लूइड को कौन फेस करेगा, हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस करेंगे फॉस्फोलिपिड के या हाइड्रोफोबिक टेल्स? जी, और हाइड्रोफिलिक हेड, हेड्स, हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस करेंगे टिश्यू फ्लूइड को। ठीक है, एंड टेल्स विल, जो हाइड्रोफोबिक हेड्स होंगे वो फेस करेंगे किसको? टिश्यू फ्लूइड को। एंड टेल्स विल फेस अवे फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। लेकिन टिश्यू फ्लूइड से दूर क्या है? व्हाट इज अवे फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड? यस गाइस, टिश्यू फ्लूइड से अवे तो साइटोप्लाज्म है। कैन टेल्स फेस साइटोप्लाज्म और नो? नो no. दे कैन नॉट। चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन।
सर जी सर, आपने अभी तक ये रीजन बताया कि जो हेड्स हैं ये साइटोप्लाज्म से अवे क्यों हैं और जो टेल्स हैं ये कनेक्टेड क्यों हैं? नहीं अभी तो पूरा किया नहीं है मैंने, वेट। अच्छा ओके, सो यू गाइस टोल्ड मी कि जो हेड्स हैं वो फेस करेंगे टिश्यू फ्लूइड को, सही है, लेकिन टेल्स किसको फेस करेंगे? कैन टेल्स फेस साइटोप्लाज्म? नो, क्योंकि टेल्स भी, टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर फेयरिंग है, वाटर हीटिंग है, जबकि साइटोप्लाज्म वाटर लविंग है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो वाटरी है, तो साइटोप्लाज्म को भी कौन फेस करेंगे? यस गाइस, कौन फेस करेंगे? हेड्स, साइटोप्लाज्म को भी हेड्स फेस करेंगे। तो फिर टेल्स को कौन फेस करेगा? टेल्स आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई? बिकॉज दे विल मूव अवे फ्रॉम द वॉटर, टेल्स कैन नॉट फेस वॉटर, सो टेल्स विल फेस ईच अदर। बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? सही है, बात समझ में आई है मेरी कि हेड्स जो है वो टिश्यू फ्लूइड को भी फेस करेंगे और साइटोप्लाज्म को भी फेस करेंगे। हाइड्रोफिलिक हेड्स विल फेस द टिश्यू फ्लूइड एंड द साइटोप्लाज्म, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दे विल फेस ईच अदर। इस वजह से ये जो बाउंड्री बनेगी, ये बाउंड्री एक्चुअली होगी क्या? What this boundary will actually be? What this boundary will actually be? Yes, guys. Double layer होगी ना ये? Cell membrane double layer होगी। इसकी double layer है। Phospholipid की sir? Phospholipid की double layer है। ठीक है? So let me draw this double layer quickly. Just give me 2 minutes and I will draw it.
ओके गाइस, सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है ना? यानी हम देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर बन चुकी है. ओके गाइस, सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. टू लेयर्स क्यों बन गई फॉस्फोलिपिड्स की? बिकॉज जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं दे फेस द टिश्यू फ्लूइड एंड द साइटोप्लाज्म, एंड जो टेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस करती हैं, सही है? तो यू गाइस कैन सी दैट देयर इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और यही सेल सर्फेस मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसकी थिकनेस कितनी होगी सेल सर्फेस मेम्ब्रेन की? जी, थिकनेस कितनी होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन की? अभी हमने पढ़ी है दैट इज 7 नैनोमीटर. 7 नैनोमीटर. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सेल सरफेस मेम्ब्रेन का, कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्यों है? जी, समझ में आ गया. Is guys any problem in understanding that cell surface membrane is a phospholipid bilayer? No. Okay. यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि hydrophilic heads face the tissue fluid and the cytoplasm. The hydrophobic tails face each other. This results in the formation of a phospholipid bilayer.
ओके गाइस, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इफ वी लुक एट द सेल सरफेस मेम्ब्रेन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कैसी नजर आएगी सेल सरफेस मेम्ब्रेन? ऐसी नजर आएगी जैसे आपको अभी दिख रही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सेल सरफेस मेम्ब्रेन को देखो तो क्या आपको वैसी नजर आती है? ऐसी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये तो मॉलिक्यूलर पिक्चर है ना, कि हमें लिटरली पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, ठीक है? उसके लिए हमें डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ती है ना, डिफरेंट टेक्निक होती है जिससे हमें मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, वो होती है डायफ्रैक्शन स्टडीज। तो डायफ्रैक्शन स्टडीज होते हैं जिनसे आपको मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं, वरना आपको मॉलिक्यूल्स का शेप समझ में नहीं आएगा। तो ये जो पिक्चर है, जो मैंने पिक्चर बनाई है फॉस्फोलिपिड्स की, ये डायफ्रैक्शन स्टडीज से मिल सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको मेम्ब्रेन ऐसी नजर नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन कैसी नजर आती है आपको? सेल सरफेस मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राई लैमिनर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। व्हाट इज मेंट बाय ट्राई लैमिनर? थ्री लेयर्स होती हैं उसकी, ठीक है? लैमिना मीन्स लेयर, ट्राई लैमिनर, ये थ्री लेयर्स। सर माइक्रोस्कोप दो दफा आ गया। ओके सॉरी, कैसी नजर आएगी? लेट मी ड्रॉ द थ्री लेयर्स। गाइस कैन यू सी द थ्री लेयर्स? तीन लेयर्स नजर आ रही हैं आपको। सो देयर आर टू डार्क लेयर्स एंड वन पेल लेयर। तो गाइस एक डार्क लेयर है, सॉरी दो डार्क लेयर्स हैं और एक लाइट लेयर है या पेल लेयर है। इस तरह नजर आती है हमें सेल सरफेस मेम्ब्रेन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैन यू गाइस टेल मी हमें ऐसी नजर क्यों आती है? कैन समबडी टेल मी अ गुड स्टूडेंट, ऐसे एक आइडिया लगाओ कि हमें सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऐसी क्यों नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस गाइस, यानी
इट्स अ काइंड ऑफ अ सैंडविच, ऐसे ही है ना, ऐसे लग रहा है ना सैंडविच है बेसिकली. कहा क्या कहा जाता है कि ये जो ट्राइलैमिनर अपीयरेंस है, ये किस तरह की अपीयरेंस है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अ पेल लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन बिटवीन टू डार्क लेयर्स. सही है. तो दो डार्क लेयर्स हैं जो कि काइंड ऑफ एक सैंडविच बन रहा है, दो डार्क लेयर्स सैंडविच बना रही है किसका, पेल लेयर का. तो ऐसे क्यों है, मेम्ब्रेन हमें ऐसी नजर क्यों आ रही है गाइस, एनी आइडिया? यू हैव द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, सोचो कुछ समझ में आ रहा है? यस गाइस, डार्क लाइन किसकी वजह से बन रही है? वॉटर होता होगा इसलिए. नहीं नहीं, डार्क लाइंस जो है वो हेड्स की वजह से बन रही हैं. यानी ये जो हेड्स है ना, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मेकिंग द डार्क लाइंस. ठीक है, दोनों तरफ डार्क लाइंस है ना, वो किस वजह से बन रही हैं? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफिलिक हेड्स. और जो बीच में सेंटर में पेल लाइन है, इट्स ड्यू टू, यस गाइस, ड्यू टू व्हाट? टेल्स. टेल्स. कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है सर, मैं थोड़ा लेट आया था, ये मुझे समझा देंगे सर ये हाइड्रोफिलिक लाइन क्या होती है? वो आपकी गलती है ना, आप लेट आए हो. आप लेट क्यों आते हो क्लास में? रिकॉर्डिंग दे देंगे सर. रिकॉर्डिंग में सेंड नहीं करूंगा. जब क्लास का जो टाइम है उस पर टाइम पे क्यों नहीं आते पहले मुझे बताओ ये. और सर आज तबीयत असल में खराब थी, वरना मैं सर रोज टाइम पे आता हूँ. ओके, तो जो डार्क लेयर्स हैं वो डार्क लेयर्स क्यों हैं गाइस, हम क्या लिखेंगे? Due to phospholipid heads. और pale line क्यों है? Due to hydrophobic interior. Due to hydrophobic interior. ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर का मतलब क्या है? ये जो टेल्स है ना, दे आर फॉर्मिंग द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर. गाइस ये जो टेल्स होती हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे जो टेल्स हैं, अगर मैं सिर्फ टेल्स को लेबल करूं, तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट? हाइड्रोफोबिक इंटीरियर. बिकॉज ये जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफोबिक है ना. क्लियर है गाइस यहाँ पे? एनी प्रॉब्लम? सर ये बात क्लियर नहीं हुई सर, हाइड्रोफोबिक किस तरह? हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है तुम्हें? नो सर. मतलब ही नहीं पता ना. सेल सरफेस मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड से. फॉस्फोलिपिड जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एंड दिस मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टू टेल्स. ठीक है, दो टेल्स होती हैं और एक हेड होता है. हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग. ठीक है, हेड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. और टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, इसका मतलब होता है वाटर फियरिंग या वाटर हीटिंग. ठीक है, तो जो टेल्स हैं दे आर रिपेल्ड बाय वाटर. टेल्स रिपेल हो जाती हैं वाटर से और हेड अट्रैक्ट हो जाता है. हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर फियरिंग या वाटर हीटिंग. ठीक है, तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन किससे बनती है?
फॉस्फोलिपिड से बनती है। अब अगर फॉस्फोलिपिड से बनेगी तो किस तरह बनेगी कि सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है इसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, ठीक है। दोनों फ्लूइड्स हैं, साइटोप्लाज्म भी फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म वाटरी है और टिश्यू फ्लूइड भी वाटरी है, दोनों वाटरी है, उसके बीच में एक बाउंड्री होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो अगर ये बाउंड्री फॉस्फोलिपिड से बनेगी तो किस तरह बनेगी है? ये कुछ इस तरह बनेगी कि जो हेड्स होंगे वो किसे फेस करेंगे, जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो वाटर को फेस करेंगे, यानी वो साइटोप्लाज्म को फेस करेंगे और टिश्यू फ्लूइड को फेस करेंगे, जबकि जो टेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे, क्योंकि टेल्स वाटर से रिपेल होती हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, तो टेल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, टेल्स एक दूसरे को फेस करेंगे और हेड्स जो हैं वो वाटर एनवायरमेंट को फेस करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस जो मेम्ब्रेन होगी वो एक डबल लेयर होगी, इसकी डबल लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की, इसलिए हम बोलते हैं कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, वो क्यों लिखा है कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, इट्स अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो गाइस ये जो हेड्स होते हैं ये डार्क क्यों अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोप पे? बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कौन सी चीज डार्क अपीयर होती है, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करें वो चीज डार्क अपीयर होती है, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएं वो लाइट अपीयर होती है। तो हेड्स जो है ना, ये जो फॉस्फोलिपिड हेड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए डार्क अपीयर होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर बना रहे हैं, वो कम इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लाइट अपीयर होते हैं। क्लियर है गाइस? सारी यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ गया सेल सरफेस मेम्ब्रेन? सर सर ये इलेक्ट्रॉन वाली बात रिपीट करें। कर रहा हूँ। तुम लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप कोई चीज देखते हो, कोई भी इमेज देखते हो या कोई भी टिश्यू देखते हो, तो कौन से स्ट्रक्चर्स डार्क अपीयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करें, और कौन सी चीज पेल अपीयर होते हैं जो कम से कम इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। तो क्योंकि हेड्स जो हैं वो डार्क अपीयर हो रहे हैं, डार्क क्यों अपीयर हो रहे हैं? बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं स्पेसिमेन के थ्रू, तो हेड्स एब्जॉर्ब मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द टेल्स। तो जब भी टेल्स पेल अपीयर हो रही हैं, जो टेल वाली लेयर है वो पेल है, और जो हेड्स वाली लेयर्स है ना वो डार्क है, ऐसे ही है। सर जी, सर तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें नीचे वाली इमेज आती है तो फिर ये ऊपर वाले हेड्स और टेल्स हमें किस तरह पता चले? डायफ्रैक्शन स्टडीज, मॉलिक्यूल का शेप आपको डायफ्रैक्शन स्टडीज से नजर आता है। तो ये कैसी स्टडी होती है? होती है सर, आप मेरी सुनने से जरा। हाँ सुना सर, वो पिछले जो स्लाइड पे आपने टिश्यू फ्लूइड क्यों लिखा था साइटोप्लाज्म, लाइक टिश्यू फ्लूइड क्यों था ऊपर? ऊपर नहीं है, बाहर है, सेल से बाहर टिश्यू फ्लूइड होती है ना यार। एक फ्लूइड सेल के अंदर होती है, एक फ्लूइड सेल के अंदर होती है और एक फ्लूइड सेल से बाहर होती है। जो फ्लूइड सेल से बाहर होती है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड सेल के अंदर होती है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इतना तो पता है ना यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो लेवल्स पढ़ के आए हो या ऐसे ही आ गए? नहीं, वो लेवल काफी मैं भूल चुका हूं सर, तो ये भूल चुके हो। हाँ, अब सर जो सेल्स ब्लड में होते हैं तो उनके उनके सराउंड में तो फिर प्लाज्मा और ब्लड होता है, तो वो उनका क्या होता है? उनके सराउंडिंग में प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा भी वाटरी है भाई, टिश्यू फ्लूइड भी वाटरी है, प्लाज्मा भी वाटरी है, तो उनका टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा होगा। उनकी जो फ्लूइड सेल से बाहर होगी वो प्लाज्मा होगी, बिल्कुल जी। सर आपने वन पेल लेयर के नीचे डीओ2 क्या लिखा है, वो कट रहा है, नजर नहीं आ रहा। ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। सही है सर, थैंक यू। सर ये स्टडी का समझ में नहीं आया, कौन सी स्टडी है जिससे ये पता चला? छोड़ दो ना इसको यार, छोड़ दो इसको, इतनी डिटेल में घुसते हो तुम लोग, फायदा नहीं है। ये पढ़ा थोड़ी सकता हूं तुम्हें, डायफ्रैक्शन स्टडीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो बस नाम बताते हैं, मैंने नाम काफी है, नाम लेके फंस जाता हूं मैं तो, ऐसे ही होता है। तुम पूछना शुरू कर देते हो कि वो होती कैसे,
अरे भाई नहीं बता सकता ना, अगर होती सिलेबस में तो बता देता। अगर मैं किसी चीज पे रुक जाया करूँ ना और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो उसका मतलब है वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, उसको छोड़ दिया करो। इतना तुम लोग अपना दिमाग नहीं खराब करो, इतना कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ। बहुत है वैसे पढ़ने को, बहुत डिटेल्स हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है एसएस सरफेस मेम्ब्रेन का? कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ, ये कंट्रोल्स द एंट्री एंड एक्सिट ऑफ सब्सटेंसेस। Into and out of the cell. ये function है cell surface membrane का, ठीक है? वैसे तो cell surface membrane के बहुत सारे functions हैं, लेकिन वो हम discuss करेंगे chapter 4 में, ठीक है? cell surface membrane का पूरा chapter है, तो उसमें मैं further जो है details में जाऊंगा cell surface membrane के structure पे और function पे। अभी मैं बहुत एक brief function लिख रहा हूँ, वो क्या है जो आप सबको वैसे ही पता है, O level से पता है आपको कि cell surface membrane करती क्या है, कौन से सब्सटेंसेस एंटर होंगे, कौन से सब्सटेंसेस एग्जिट करेंगे, उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर आएंगे, कौन से सब्सटेंसेस सेल से बाहर जाएंगे, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वी आर डन विद सेल सरफेस मेम्ब्रेन। एक लास्ट चीज, कितनी थिकनेस है सेल सरफेस मेम्ब्रेन की? बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes guys, 7.0 nanometers.